अब ये सबको ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलता है, ये सारे लड़कों सारी लड़कियों को जिनसे भी इंटरव्यू लेता है, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? मतलब सारी लड़कियां तुम्हें ब्यूटीफुल क्यों लगती हैं? नहीं ऐसा नहीं, तो सोशल मीडिया तो अलग बात है, उस पे तो हमेशा हजारों मैसेजेस आते रहेंगे। सामने से मतलब किसी ने आपको प्रपोज किया एकदम सा? सामने से तो किसी ने प्रपोज नहीं किया, ये तो बहुत ही पर्सनल है तो मैं यहाँ पे बोलूंगी भी नहीं। करते हैं, करा है किसी ने, लेकिन पर्सनली किसी का है तो छोड़ दो, कोई नहीं इसको पर्सनली रहने देते। हाँ, कुछ चीजें तो पर्सनल होनी चाहिए, वैसे भी एक्टर की लाइफ इतनी सोशल मीडिया में फेमस होती है तो कुछ तो पर्सनल होना चाहिए। कोई नहीं, लास्ट में मैं आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा कि आप मतलब आगे का क्या प्लान कर रही हैं, कुछ करना है या नहीं करना है? मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ शुभम, मैं टीवी भी करना चाहती हूँ, मेरा कोई ऐसा एक फोकस नहीं है कि मुझे सिर्फ भोजपुरी फिल्में करनी है। भोजपुरी फिल्म में अच्छा ऑफर आएगा मैं फिल्म भी करूँगी, अच्छा रोल आएगा तो मैं रोल, मतलब कोई ऐसा मेरा कोई नहीं है कि लीड ही करना है, कोई अच्छा रोल भी ऑफर होगा मैं वो भी करूँगी, प्लस मैं टीवी में भी ट्राई कर रही हूँ, अगर मेरा वहाँ पे भी कुछ कंटिन्यूटी हो जाता है तो मैं वहाँ पे शिफ्ट कर जाऊँगी। तो ऐसा है, मेरे को मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है, वो कहीं से भी ऑफर, अगर मुझे साउथ से आएगा मैं साउथ से करूँगी, गुजराती फिल्म आए गुजराती करूँगी। टैलेंटेड तो आप हैं। हाँ मैम, बहुत टैलेंटेड है, सुंदर भी है। हाँ ये बोलना ये भूल गया था। इनको मतलब ऐसा नहीं है कि काम ना मिले, नहीं यार है ना काम नहीं मिल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, काम नहीं मिल रहा है यहाँ पे ना, सब कॉन्टेक्ट के हिसाब, मतलब सब अपनी दोस्ती के हिसाब से काम देते हैं, एक टैलेंट देख के अगर लोग दे ना काम तो भाई ऐसे काम निकल के बाहर है। मैम स्ट्रगल कर रही है अभी, तो मेरी दुआ यही है कि इनको बहुत जल्दी अच्छा काम मिले और बहुत अच्छे लेवल पे जाए। आई विश। तो मैं भी आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैम को, नितिका मैम को अपना आशीर्वाद दीजिए और अपना प्यार दीजिए। प्यार दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, बहुत आगे जाए। मैं तो यही दुआ करूँगा, आप लोग भी करिए। तो मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम मैं भी तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सब ये सबको ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलता है, ये सारे लड़कों सारी लड़कियों को जिनसे भी इंटरव्यू लेता है, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? मतलब सारी लड़कियाँ तुम्हें ब्यूटीफुल क्यों लगती है? मतलब कोई खराब नहीं लगती है? ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं मैम। या फिर अपने चैनल को बढ़ाने के लिए? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये मेरा ये तो नॉर्मल है। मतलब किसी के पास जाऊं, ये लड़कों की आदत है कि सिर्फ सारी लड़कियां जितनी भी देखे ब्यूटीफुल हॉट खूबसूरत। अच्छा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड अब जैसे आपने प्राइवेट नहीं, सिर्फ है या नहीं? है या नहीं? गर्लफ्रेंड नहीं है। नहीं ये झूठ बोल रहा है। अच्छा ये बताओ ब्यूटीफुल है कि नहीं वो? कौन आपकी गर्लफ्रेंड? मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं तो क्या ब्यूटीफुल होगी? झूठ बोल रहा है। कोई भाव ही नहीं देती, कोई भाव ही नहीं देती। अच्छा इतने सुंदर हो तुम और भाव नहीं देते? चलो बहुत हो गया मस्ती। हाँ तो आज के लिए मैं इतना ही दोस्तों, आप लोग को और भी कोई बातें हो जैसे इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं मैम तक जरूर पहुँचाऊंगा आप लोगों की बातें। प्लीज जो भी आपको पूछना हो कहना हो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। ठीक है आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मैं शुभम सिंह विद कैमरामैन सत्या भाई, धन्यवाद।